नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। सावन महीने की शुरुआत होते ही कांवरियों का बड़ा बड़ा जत्था जो है वो बाबा के दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रहा है। वहीं इस दौरान 54 फीट का कांवर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे, पहले आप ये वीडियो देखिए। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले के 7वें दिन यानी कि आज बुधवार की सुबह 54 फीट का कांवर लेकर मारूफगंज पटना सिटी के सिवधारी कांवर संघ के कांवरियों का जत्था अजगैबीनाथ पहुंचा। इस दौरान अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए अपने 54 फीट के विशाल कांवर की पूजा पाठ करते हुए ढोल बाजे के साथ नाचते झूमते ये जत्था देवघर बाबा बैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना सिटी के कांवर संघ के अर्जुन कुमार और विनोद कुमार ने बताया कि कई वर्षों से 54 फीट का कांवर लेकर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाते हैं, जिससे हमारे देश में सुख शांति रहता है, देश उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए 800 लोगों के साथ 600 किलो का कांवर 54 फीट का बारी बारी लेकर देवघर नाचते झूमते जाते हैं। ये कांवरियों का जत्था मारूफगंज पटना सिटी से अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर नियम निष्ठा और पवित्र होकर बाबा बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान सिवधारी कांवर संघ के सदस्य विनोद, बाबा शिवम, मुकुल सहित कई लोग मौजूद हैं। इस तरह का कांवर 54 फीट का जाता है इस खुशी में कि बाबा से प्रार्थना हम लोग करते हैं कि मेरा देश सुख शांति अमन चैन से रहे। 54 फीट का कांवर है कि हम लोग शेर हैं तो दुगला नहीं है, बाबा का भक्त है, छोटा है लेकिन जाते हैं प्रेम से, बोलते हैं हर हर महादेव, बोलबम बोलबम, और सभी शुभकामना करते हैं कि हमारा देश सुख शांति रहे, बढ़ते रहे। कितने फीट का कांवर है सर? 54 फीट का है। कितने लोगों का जत्था है? हम लोग का होगा 350 कमरिया। ये पटना सिटी से चलता है, पटना सिटी हम गया कि मैम है मंगला गौरी का सिद्धारी संघ क्यों जी 54 फीट के साथ में ही कौन सा संघ है? सिद्धारी संघ जी, सिद्धारी संघ। क्या नाम आपका जी? आपका नाम अर्जुन पंडित नेहरी। आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ के अलग अलग भक्त हैं जो अलग अलग तरीके से बाबा को मनाने की कोशिश करते हैं। वही इस वक्त आपको बता दें कि ये 54 फीट का कांवर जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने अपनी मनसा जाहिर करते हुए बताया है कि ये देश की उन्नति और देश में सुख शांति की कामना के उद्देश्य से हर साल इस कांवर को लेकर बाबा के पास पहुँचते हैं। वहीं अब ये कांवर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और ये वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए मैं दे इजाजत, नमस्कार।